lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सलार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा है, और इस सवाल को लेकर दोस्तों सभी केजीएफ और प्रभास फैंस ने कई सारी थ्योरीज बना ली हैं जो ये साबित करती हैं कि सलार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जहां सभी साबित करने पर लगे हुए हैं कि सलार और केजीएफ एक ही हैं, तो वहीं आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि ये साबित कर देती हैं कि दोनों अलग अलग फिल्में हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो भले ही केजीएफ और सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रोड्यूसर होमेबल फिल्म हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी भी ऑफिशियल पोर्टल पर यह अनाउंस नहीं किया गया है कि सलार केजीएफ से जुड़ी हुई है, और ना ही फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई हिंट दिया गया है। जिसे स्पाई यूनिवर्स को ऑफिशियल बनाने के लिए वाईआरएफ ने टाइगर को पठान में भेजा, और टाइगर पठान से ये कहता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूं, मदद करने आ जाना। और टाइगर 3 के पोस्टर्स पर भी लिखा था फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है पठान वॉर। लेकिन दोस्तों सलार के अभी तक आए पोस्टर्स या टीजर्स पर ऐसा कुछ भी हिंट नहीं है। अब उसके बाद वाला पॉइंट है दोस्तों टाइमलाइन। केजीएफ में हमें 1951 से लेकर 1981 की टाइमलाइन दिखाई गई है, जिसमें से 1979 से लेकर 81 की टाइमलाइन को केजीएफ में दिखाया जाने वाला है। और अगर सलार केजीएफ की टाइमलाइन में सेट है दोस्तों, तो वो साल 1981 से पहले आएगी। लेकिन सलार के टीजर में हमने काफी सारे एडवांस गन्स देखी हैं और ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो मॉडल लग रही हैं, इसलिए सलार की टाइमलाइन साल 1981 के बाद की ही होगी। और दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि फरमान को सलार बताया जा रहा है, लेकिन फरमान और रॉकी भाई दोनों की एज में डिफरेंस है। तो अगर सलार ही फरमान है, तो क्या सलार में रॉकी भाई बूढ़े होकर आएंगे? और अगर हाँ, तो ऑफिशियली रॉकी भाई मर चुके हैं समुद्र में डूबकर, तो दोस्तों ये वाला कनेक्शन भी मैच नहीं हो रहा। उसके बाद है फिल्म का सेटअप, थीम और नाम। तो भले ही सलार को केजीएफ की चीप कॉपी कहा जा रहा है और सलार की शूटिंग केजीएफ वाले सेट पर ही हो रही है, लेकिन सलार में गोल से लेकर हमने कुछ नहीं देखा। उसमें दिखी तो बस कई तरीके की बंदूकें, और साथ ही दोस्तों फिल्म का नाम है सलार पार्ट 1 सीज़फायर, और सीज़फायर का मतलब होता है युद्ध को कुछ समय के लिए रोकना। लेकिन जहां तक हम जानते हैं केजीएफ 2 के एंड में रॉकी भाई के समुद्र में डूब जाने के बाद जो देश की सरकार और रॉकी भाई के बीच युद्ध चल रहा था दोस्तों, वो पूरा हो गया, उस पर विराम नहीं लगा था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि सलार और केजीएफ का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।